हाय बच्चों, सो आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल. वेलकम टू वेदांतु नीट मेड इजी. आई होप आई एम क्लियरली ऑडिबल एंड विजिबल. जल्दी से बताओ चैट बॉक्स में, एम आई क्लियरली ऑडिबल एंड विजिबल टू यू पीपल? येस, एम आई क्लियरली ऑडिबल एंड विजिबल टू यू गाइज? सो गाइज, वेलकम टू द सेशन. आई एम योर मास्टर टीचर अंबिका शर्मा. और आज बहुत एक छोटा सा सेशन हम लोग लगाने वाले हैं, सीवेज ट्रीटमेंट की बात करेंगे. और इसी से जितने भी आज तक नीट के क्वेश्चंस आए हैं, सब कुछ हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं. इससे बाहर से कुछ नहीं आने वाला. सो अगर आप इंडिविजुअल टॉपिक को टारगेट कर रहे हो, दिस इज द बेस्ट वीडियो फॉर यू. और इसके साथ साथ अगर सीबीएसई बोर्ड के लिए भी इस टॉपिक को टारगेट कर रहे हो, डेफिनेटली आप ये वीडियो देख सकते हो. सो एज आई सेड, आई एम योर मास्टर टीचर अंबिका शर्मा. बहुत टाइम से वेदांतों में पढ़ा रही हूँ, बहुत सारे बच्चों को गाइड किया, हर साल और बच्चों को हम गाइड करते रहेंगे, राइट? सो जिसने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज गो फॉर दैट. और टेलीग्राम चैनल का ग्रुप ज्वाइन जरूर कर लेना, राइट? अगर आपके नीट 2022 में 500 तक के आसपास के नंबर हैं, राइट, 400 से 500 के बीच में भी है, तो जरूर एकलव्य का फॉर्म भरिए. वो बैच आपके लिए बहुत बेटर रहेगा. आप उस बैच से डेफिनेटली अपना स्कोर इंप्रूव करेंगे. सो शुरू करते हैं आज का सेशन. सो हाउ इज द एनर्जी एवरीवन? है भी है कि खत्म हो गई? हाँ, हाउ इज द एनर्जी एवरीवन? सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक विच इज द सीवेज ट्रीटमेंट. माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का टॉपिक है और ट्रस्ट मी, एक बहुत सिंपल सा टॉपिक है. और यस, नीट में यहां से क्वेश्चन अक्सर आ जाता है. सो टॉपिक है माइक्रोब्स एंड सीवेज ट्रीटमेंट. माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर, एज आई सेड, वहां का ये टॉपिक है. सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बच्चे हमें पता है, विच वी आर नॉट एबल टू सी विद आर नेकेड आईज. हमारी आईज की एक रेंज है, उसके अगर छोटे साइज वाली चीजें हमें नहीं दिखेंगी, हमें माइक्रोस्कोप की मदद लेनी पड़ेगी. सो जब हम सीवेज की बात करते हैं, सीवेज क्या है तुम्हें पता है कि म्यूनिसिपल वेस्ट, सीवेज क्या आ गया? म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर, राइट? म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर जिसमें ह्यूमन एक्सक्रीटा तक है, राइट? म्यूनिसिपल, समझ रहे हो, म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर जिसमें ह्यूमन एक्सक्रीटा तक है, दैट इज व्हाट सीवेज ट्रीटमेंट, ओके? उसको हम लोग बोलते हैं सीवेज ट्रीटमेंट. आर यू गेटिंग इट? सो याद रखना, जब भी सीवेज की बात हो, इट इज फुली इनरिच्ड विद द ऑर्गेनिक मैटर. ह्यूमन एक्सक्रीटा भी तो ऑर्गेनिक मैटर है. सो कई बार हम लोग अपने किचन का वेस्ट, अपने वॉशरूम का वेस्ट ऐड कर देते हैं इस म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर में. अगर बच्चे, क्योंकि दिस मैटर, दिस वेस्ट इज फुली इनरिच्ड विद द ऑर्गेनिक मैटर, जस्ट इमेजिन, अगर ये चीज बिना ट्रीटमेंट के, बिना किसी ट्रीटमेंट के, अगर हम लोग इतना ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर एक वाटर बॉडी में डिस्चार्ज करते हैं, तो ये वाटर बॉडी की हेल्थ को इफेक्ट कर रहा है उसमें, क्योंकि इस ऑर्गेनिक मैटर में बहुत सारे पैथोजन है, बहुत सारे डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एंड दे आर गोइंग टू कॉज द डिजीज, राइट? विदाउट एनी डाउट दे आर गोइंग टू कॉज द डिजीज. सो ये ज़रूरी है कि ऐसे वाटर को पानी में, किसी भी वाटर बॉडी में डिस्चार्ज करने से पहले इसकी एक प्रॉपर ट्रीटमेंट की जाए. और वो हम लोग किसके थ्रू करते हैं? हम लोग, उसके लिए हमारे पास है सीवेज ट्रीटमेंट प्लान. बट ट्रस्ट मी, हम लोग के पास सीवेज बहुत ज़्यादा है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लान बहुत ज़्यादा कम है. और ये रीज़न भी है कि हमारी बहुत सारी वाटर बॉडीज बहुत पॉल्यूटेड है, राइट बच्चे? सो इस टॉपिक की जब हम बात करें, जब मैं बात करूँ नीट में, नीट में अलग अलग तरह से क्वेश्चंस आ जाते हैं. इसके स्टेप्स के बेसिस पर क्वेश्चन आ जाता है, राइट? पूछ लेते हैं कौन सा स्टेप एरोबिक है, कौन सा एनाएरोबिक है, किससे क्या बना, लाइक दैट. सो हम लोगों को एकदम बहुत थोड़ा सा टाइम लेने वाली हूँ, आपको ये टॉपिक कंप्लीट करवा दूंगी, राइट? सो बहुत ये सारे एस्पेक्ट, जहां जहां से क्वेश्चन आज, हम लोग सारे एस्पेक्ट इस टॉपिक के कवर करने वाले हैं, राइट मेरा बच्चा? सो माइक्रोब्स एंड सीवेज ट्रीटमेंट में वी हैव सम स्टेप्स, राइट? राइट, जब हम लोग इन एसटीपीस की बात करते हैं, इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की बात करते हैं, यस वी हैव सम स्टेप्स. जैसे पहला स्टेप तो हमारा हो गया प्राइमरी ट्रीटमेंट, और जिसको हम लोग और क्या कहते हैं, वी इवन कॉल इट एज फिजिकल ट्रीटमेंट. इसको प्राइमरी ट्रीटमेंट के साथ साथ फिजिकल ट्रीटमेंट भी कहते हैं. और दूसरा आ जाता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट, जिसको बच्चे सेकेंडरी ट्रीटमेंट के साथ साथ बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी कहा जाता है. समझ रहे हो, जिसको सेकेंडरी ट्रीटमेंट के साथ साथ बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी कहा जाता है. सो शुरुआत करते हैं इस प्राइमरी ट्रीटमेंट से. सो हियर यू ऑल कैन सी दैट, इजंट इट, यू ऑल कैन सी दैट इट इज द फिजिकल रिमूवल ऑफ पार्टिकल्स.
जैसे जब मैंने फिजिकल ट्रीटमेंट की बात की, अभी एक फ्लो चार्ट दिखाऊंगी, बड़ी इजीली पूरा टॉपिक हमारा कवर हो जाएगा. सो जब मैंने फिजिकल ट्रीटमेंट की बात की, वही बात है कि तुमने फिजिकली, मतलब ऊपर जो तुम्हें कूड़ा कचरा दिख रहा था, तुमने कितना निपटा लिया. जैसे मैं हमेशा ये एग्जांपल देती हूँ बच्चों को कि तुमने आज डिसाइड किया कि यार मुझे ना ये वाली वाटर बॉडी साफ करनी है, ठीक है, या मुझे आसपास का ये वाला ना एरिया साफ करना है. सो सबसे पहले क्या करोगे, जाओगे वहां पर, देखोगे अच्छा ये लिफाफे पड़े हुए हैं, किसी ने लेस के पैकेट फेंके हैं, किसी ने कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स फेंकी है, सब उठाओगे. यस और नो, कम ऑन, फटाफट इन द चैट बॉक्स. एंड डू लाइक, डू शेयर द वीडियो. बच्चे एंड तक वीडियो जरूर देखना. और तुम्हें पता है कि ये वीडियो के बाद तुम्हारा कोई भी डाउट इस टॉपिक में नहीं रहेगा. सो होता है ऐसा? ऑब्वियसली इट इज द पॉसिबिलिटी, राइट? इट इज द पॉसिबल, मतलब पॉसिबिलिटी क्या, ये कॉमन सा नेचर है. हम गए सफाई करने, कचरा पड़ा हुआ है, अरे यार यहाँ लिफाफे है, यहाँ लेस के पैकेट है, यहाँ पे ये कैन पड़े, उठाओ और फेंको, उठाओ और फेंको. यही प्राइमरी ट्रीटमेंट में होगा. इन एसटीपीज में, प्राइमरी ट्रीटमेंट में यही होगा, फिजिकल रिमूवल ऑफ पार्टिकल्स. इसीलिए हम लोग इसको फिजिकल ट्रीटमेंट भी कहते हैं. इसमें तुम्हारी क्या क्या आ जाएगी, जैसे सबसे पहले आ गया फिल्ट्रेशन. तुमने उस पानी को पास किया, इस तरह का तुमने पूरा चैम्बर बना रखा है कि जो ऐसा मोटा मोटा कचरा है वो फिल्टर हो गया. अब जो छोटा मोटा सैंड हो गया, कुछ स्टोन्स हो गए, सो उसकी क्या हो जाएंगे, वो सेटल डाउन हो जाएंगे बेस पर, उसकी सेडिमेंटेशन हो जाएगी, राइट? उसकी सेडिमेंटेशन हो जाएगी, वो बेस पर सेटल डाउन हो जाएंगे. सो दिस इज व्हाट प्राइमरी ट्रीटमेंट इज. एंड देन कम्स द सेकेंडरी ट्रीटमेंट, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट. व्हाई इट इज द सेकेंडरी ट्रीटमेंट, व्हाई इट इज द बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, क्योंकि यहाँ हम लोग माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज करने वाले हैं. हम लोग यहाँ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज करें, दैट इज वाई वी आर सेइंग दैट इट इज द सेकेंडरी ट्रीटमेंट. ओके, सो अब मैं तुम्हें, जैसा मैं तुम्हें कहती हूँ, ये फ्लो चार्ट सारे डाउट्स क्लियर कर देता है. इसका स्क्रीनशॉट लो, सबसे पहले इस फ्लो चार्ट का स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि ये तुम्हारे लिटरली सारे डाउट्स को क्लियर कर देगा. देन वी विल गो अहेड. चलो, अब मैंने तुमसे कहा प्राइमरी ट्रीटमेंट हुई, फिजिकल ट्रीटमेंट हुई, तुमने पानी को पास किया, जो फ्लोटिंग डेब्रीज थी, ठीक है जी, फिल्टर आउट कर दिया, बाकी की चीज़ें नीचे सेटल डाउन होगी, राइट? बाकी की चीज़ें नीचे सेटल डाउन होगी. जैसे लेट से दैट कि हमारे पास क्या है, हाँ लेट से दैट कि मेरे पास आ गया एक इस तरह से एक चैम्बर है, लेट से दैट. अब मेरा जो कचरा यहाँ पर था, जो मेरी फ्लोटिंग, जो मेरी मलवा था, जो जितना निकल सकता था निकाल दिया, बाकी सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन हुई, फिल्टर आउट कर दिया मैंने उसको, और सेडिमेंटेशन हो गई. अब ये जो चीज़ें नीचे सेटल डाउन हुई, राइट, यही होता है, एक पानी के ग्लास में मिट्टी डालोगे तो थोड़ी देर के बाद मिट्टी नीचे बैठ जाती है. सो जो नीचे बैठी हुई मिट्टी है, यहाँ पर भी ऐसे इमेजिन करो, यहाँ पर भी ऐसे इमेजिन करो, ये जो नीचे बैठी हुई मिट्टी है इसको हम लोग कहते हैं, मतलब नीचे बैठा हुआ ये जो कचरा है इसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी स्लज. हम लोग इसको क्या कहते हैं, प्राइमरी स्लज. और ये जो ऊपर है, ऊपर बचा हुआ, कंपैरेटिवली, मतलब पूरी तरह से साफ तो नहीं है, लेकिन हाँ कुछ कचरा नीचे बैठ गया तो हल्का सा साफ हम लोग इसे कह सकते हैं. इट इज़ द सुपरनेटेंट, जिसको हम लोग एफ्लुएंट भी कहते हैं. इट इज द सुपरनेटेंट, जिसको हम लोग एफ्लुएंट भी क्या कहते हैं. फटाफट चैट बॉक्स में, यस एवरीवन, बी क्विक, जल्दी जल्दी जल्दी, हम ना टॉपिक अभी निपटा देंगे इसे, सुपरनेटेंट और एफ्लुएंट. सो यहां से जो एक नीट का क्वेश्चन आता है, पहला, प्राइमरी स्लज कब बनती है, प्राइमरी ट्रीटमेंट में. प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या हो रहा है, दो चीजें हैं, सेडिमेंटेशन है, फिल्ट्रेशन है, क्लियर है? तीसरा जो क्वेश्चन आता है, राइट आफ्टर, व्हाट इज द थिंग दैट विल गो फॉर द सेकेंडरी ट्रीटमेंट आफ्टर दैट प्राइमरी ट्रीटमेंट. प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद कौन सी चीज सेकेंडरी ट्रीटमेंट में गई, ये क्वेश्चन भी आ सकता है. एंड दैट इज द एफ्लुएंट, ऑल्सो नोन एज सुपरनेटेंट. That is the effluent, also known as supernatant. So primary treatment का effluent supernatant जाता है secondary treatment में, जिसको हम लोग biological treatment भी कहते हैं बच्चे. और जिसको हम लोग क्यों कहते हैं biological treatment, क्योंकि हमने microorganisms का use किया. So जब हम लोग यहाँ पर गए effluent को लेके, यहाँ पर कुछ एक tanks है, जैसे कि कुछ aeration tanks, settling tanks, यहाँ पर इसकी बात करेंगे. किसकी बात करेंगे हम लोग यहाँ पर, कुछ एक tanks की. अब मैं तुम्हें ये पढ़ना सिखाती हूँ. देखो, सीवेज आया, फुली इनरिच्ड विद ऑर्गेनिक मैटर, फिल्ट्रेशन हुई, सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन हुई, राइट बच्चे, हमने फ्लोटिंग डेब्री सब कुछ निकाल दिया, बाकी की चीज़ें नीचे सेटल डाउन हो गई. जब जो चीज़ें नीचे सेटल डाउन हुई उसको हमने बोला ईदर सेडिमेंट और प्राइमरी स्लज. ये हमें याद रखना है. यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है सारे बच्चों को? फटाफट बताओ चैट बॉक्स में, यहाँ तक क्लियर है सारे बच्चों को? सो इट इज द सेडिमेंट और द प्राइमरी स्लज. और इसी प्राइमरी स्लज को या तो हम लोग कंपोस्टिंग के लिए यूज कर सकते हैं,
राइट, खाद वाद बनाने के लिए लैंडफिल की तरह यूज कर सकते हैं. एंड एफ्लुएंट विल गो फॉर द सेकेंडरी ट्रीटमेंट, इट विल गो फॉर द बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट. और यहाँ पे आ जाएगा एक एरेशन टैंक. क्या आ जाएगा यहाँ पर? यहाँ पर एक आ जाएगा एरेशन टैंक. बच्चे एरेशन, यहाँ पर पंप की जाती है हवा. इस टैंक में पंप की जाती है हवा, पीरियोडिकली हवा को पंप किया जाएगा. जो एफ्लुएंट आया है उसे एजिटेट भी किया जाएगा, उसको एजिटेट किया जाएगा, हवा को पंप किया जाएगा. अब यहाँ पर एयर है, एयर है तो यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं. कौन से वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे? दे विल बी एरोबिक. यस एवरीवन, कम ऑन इन द चैट बॉक्स, व्हाट टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विल बी देयर? एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो एयर में ब्रीद कर लेते हैं, राइट. अब यहां क्या होगा बच्चे? यहां पर बनेंगे फ्लॉक्स. क्या बनेंगे? यहां पर बनेंगे फ्लॉक्स, क्योंकि ऑक्सीजन अवेलेबल है. अब एक क्वेश्चन ये भी है तुम्हारा, ये भी नीट का एमसीक्यू है. सब कुछ टारगेट कर रहे हैं हम लोग, एक एक नीट का पीवाईक्यू टारगेट होगा. ये भी नीट का क्वेश्चन है. सो सबसे पहले सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या होगा? एरेशन टैंक है. कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म आए? एरोबिक, राइट. क्या बन रहा है? फ्लॉक. फ्लॉक क्या है? तुम ये कह सकते हो बच्चे कि ये कुछ एक एग्रीगेट्स है, तुम्हारा बैक्टीरिया, उसके आसपास कुछ फंजाए का मैशवर्क, फंगस का मैशवर्क, फंगस और बैक्टीरिया का एक तरह से कॉम्बिनेशन है, राइट. ये एक तरह से तुम ये कह सकते हो एग्रीगेट या मासेस है. फ्लॉक्स क्या है? एग्रीगेट या मासेस ऑफ बैक्टीरिया विथ फंगल फिलामेंट्स या मैशवर्क ऑफ, राइट, या मैशवर्क ऑफ बैक्टीरिया विद फंगल फिलामेंट. मतलब अगर मुझे तुम्हें समझाना हो तो मैं ऐसे समझा सकती हूँ कि ये देखो, मैं एफ्लुएंट को लेके गई एक एरेशन टैंक में. लेट से दिस इज द एरेशन टैंक, मैं एफ्लुएंट को लेके गई एरेशन टैंक में, राइट. और यहाँ पर एयर तो पंप की जा रही है, यहाँ पर ऑक्सीजन तो है ही, सो यहाँ पर फ्लॉक्स बने. जैसे ये फंगल फिलामेंट्स का मैशवर्क है और बीच बीच में बैक्टीरिया है. And yes, they need the oxygen. They need the oxygen. बच्चे इसका खाना पता है क्या? इसका खाना है organic matter. तुम्हें पता है ये जो हमारे पास bacteria बने, ये जो हमारे पास flocks बने, इसका खाना क्या है? इसका खाना है organic matter. अब देखो, अब हमने क्या कहा? सीवेज किससे भरा हुआ है? सीवेज भरा हुआ है ऑर्गेनिक मैटर से. सीवेज में भर भर के ऑर्गेनिक मैटर है और इसका खाना है ऑर्गेनिक मैटर. अब यहाँ पर एक और कंसेप्ट आ जाता है जिसको हम लोग कहते हैं BOD. Another important question for the NEET exam. So be alert, NEET aspirants. Be alert, NEET aspirants. So BOD, you can either call it as biochemical oxygen demand or biological oxygen demand. चाहे इसको biochemical oxygen demand कह लो, चाहे इसको biological oxygen demand कह लो. समझ रहे हो? चाहे इसको biochemical oxygen demand कह लो, चाहे इसको biological oxygen demand कह लो. अब मैंने तुमसे क्या कहा कि sewage is fully enriched with the organic matter. और ये पैथोजेनिक चीजें भी कंटेन करता है. अगर ये डायरेक्टली डिस्चार्ज हुआ पानी में तो ह्यूमन कंज्यूम करते हैं तो उनको बीमारियां होंगी. अब ये जो बैक्टीरिया बना, ये जो मैशवर्क बना, ये जो फ्लॉक बना, इसका काम है ऑर्गेनिक मैटर को खाना. मतलब किसी और की पॉटी, किसी और का एक्सक्रीटा, किसी और का खाना है, किसी और का एक्सक्रीटा, किसी और का खाना है. इट इज लाइक दैट. सो अब बीओडी क्या है बच्चे? बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड. सो तुम ये कह सकते हो इट इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड. एंड यस, इट इज इन मिलीग्राम्स. ओके, सो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय बैक्टीरिया या रिक्वायर्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, राइट, टू डीकम्पोज द ऑर्गेनिक मैटर present in 1 liter of solution, right? Organic matter present in 1 liter of solution. जो 1 liter solution में कितने मिलीग्राम तक तुम लोगों को ऑक्सीजन, बैक्टीरिया को ऑक्सीजन चाहिए टू डीकम्पोज दैट ऑर्गेनिक मैटर. दिस इज द बीओडी. मतलब कि 1 liter में देखो, अगर 1 liter में, राइट, 1 liter में मान लो, ये ऐसे कोई लेमैन एग्जाम्पल दे रही हूँ, 1 kilo ऑर्गेनिक मैटर, लेट्स से दैट, बहुत ऐसे ही रेंडम दे रही हूँ एग्जाम्पल्स, रिलेट मत कर लेना, ठीक है, समझने के लिए. 1 liter पानी में 1 kilogram था ऑर्गेनिक मैटर, सो ऑब्वियसली उसी के अकॉर्डिंग डिमांड होगी, उसी के अकॉर्डिंग वहाँ का बैक्टीरिया जो होगा वो डिमांड करेगा कि भाई इतनी ऑक्सीजन मुझे चाहिए, इतनी ऑक्सीजन मैं कंज्यूम करूंगा और इस ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करूंगा डेफिनेटली, राइट. अब लेट्स से 1 liter में तुम्हारा सिर्फ 500 ग्राम तक है ऑर्गेनिक मैटर, तो क्या होगा? डिमांड कम होगी या बढ़ेगी?
डिमांड बीओडी की ज्यादा होगी या कम होगी? फटाफट फटाफट फटाफट, बीओडी की डिमांड कम होगी या ज्यादा होगी? बी क्विक, बीओडी की डिमांड कम होगी या ज्यादा होगी? ऑब्वियसली कम होगी यहां पर, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर कम है. सो यहां से मैंने क्या सीखा, यहां से मैंने ये सीखा, जितनी ज्यादा बीओडी उतना ज्यादा पानी पॉल्यूटेड. हाई बीओडी मतलब हाई पॉल्यूशन, राइट? जितनी ज्यादा बीओडी उतना ज्यादा पॉल्यूशन, समझ रहे हो? जितनी ज्यादा बीओडी उतना ज्यादा पॉल्यूशन. जितनी बीओडी बढ़ी उतना मतलब पॉल्यूशन हाई है, क्योंकि उतनी ऑक्सीजन की डिमांड है, मतलब उतना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर है. जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर उतनी ज्यादा गंदगी. सो इट इज मोर लाइक दैट बच्चे, ओके? इट इज मोर लाइक दैट. सो अब यहाँ पे क्या होगा, जब ये फ्लॉक आ गया, अब ये फ्लॉक क्या करेगा, अब ये फ्लॉक यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर को खाएगा. ऑक्सीजन तो है ही, अब सेकेंडरी ट्रीटमेंट के एरेशन टैंक में ये चल रहा है. ऑर्गेनिक मैटर इस फ्लॉक को डिकम्पोज कर रहा है, डिकम्पोज कर रहा है, ऑक्सीजन को यूज कर रहा है, यूज कर रहा है, यूज कर रहा है. सो जब ये इसको खा रहा है, जब ये इसको डिग्रेड कर रहा है, तो धीरे धीरे बीओडी कम भी तो होगी. सो शुरुआत में अगर बीओडी ज्यादा थी तो धीरे धीरे बीओडी कम होगी. सो एरेशन टैंक में बच्चे इसी का मेजर रखा जाता है. ये फ्लॉक उस ऑर्गेनिक मैटर को खाएगा, बीओडी को क्या करेगा, बीओडी को करेगा कम. बीओडी को क्या करेगा, बीओडी को करेगा कम. और यही हम लोग चेक करते हैं कि एसटीपीज में कि बीओडी कम हो गई. सो बीओडी जब कम हो गई, मान लो 15-20% कम हो गई, सो ये जो ऊपर वाला पानी था, एफ्लुएंट था, या तो इसको डायरेक्टली डिस्चार्ज कर दिया जाता है वाटर बॉडीज में, और कई बार क्या करते हैं, कई बार टर्शरी ट्रीटमेंट के लिए यूज कर लिया जाता है. या तो डायरेक्टली डिस्चार्ज कर दिया जाता है वाटर बॉडी में, या टर्शरी ट्रीटमेंट के लिए हम लोग इसको ले जाते हैं, मतलब केमिकल से ट्रीट कर देते हैं. ऐसा कुछ भी 100% नहीं है कि पानी बिल्कुल से एकदम से पहले वाली क्वालिटी रिस्टोर कर लेगा, लेकिन कोशिश की जाती है. सो इन एरेशन टैंक्स में धीरे धीरे क्या होगा, जब बीओडी कम आएगी बच्चे, ये जो ये फ्लॉक है ये नीचे सेटल होना शुरू कर देगा, राइट? ये फ्लॉक है वो नीचे सेटल होना शुरू कर देगा. ये बहुत इजीली नीचे सेटल हो जाता है, बहुत इजीली नीचे सेटल हो जाता है. और ये एफ्लुएंट को डिस्चार्ज करने से पहले एक बार सेटलिंग टैंक में भी भेज देते हैं. मतलब बेसिकली इस पूरी चीज को, इस सारी की सारी चीज को, एरेशन टैंक था उसमें ये सब कुछ चल रहा है, जैसे ही एरेशन टैंक से बीओडी कम आई, हम लोग सारी चीजों को सेटलिंग टैंक में भेज देते हैं. और ये सब सेटलिंग टैंक में हो रहा है कि धीरे 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 ये फ्लॉक नीचे सेटल होगा, और एफ्लुएंट जो होगा इधर उसको डायरेक्टली वाटर बॉडी में डिस्चार्ज कर देंगे या टर्शरी ट्रीटमेंट के लिए ले जाएंगे. सो एक ये और नीट 2020 का क्वेश्चन है कि सुनना, पहले ये क्या था, ये जो सेडिमेंट है यहाँ पर सेकेंडरी ट्रीटमेंट का, इट इज नोन एज एक्टिवेटेड स्लज. इट इज नोन एज एक्टिवेटेड स्लज. ये जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट के ड्यूरिंग जो हमारे पास नीचे ये जो फ्लॉक बैठा, जिसमें एरोबिक हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी है, दिस इज द एक्टिवेटेड स्लज. सो नीट 2020 का क्वेश्चन था कि एक्टिवेटेड स्लज कब बनता है, क्योंकि हमारे दिमाग में चलता है एनाएरोबिक स्लज डाइजेस्टर. कितने बच्चों के दिमाग में चलता है, सबके दिमाग में चलता होगा जिसने पहले ये टॉपिक पढ़ा है. सो ये जो एक्टिवेटेड स्लज है, ये जो एक्टिवेटेड स्लज है, इट इज द रिजल्ट ऑफ एरोबिक ट्रीटमेंट. दिस एक्टिवेटेड स्लज, इट इज द रिजल्ट ऑफ एरोबिक ट्रीटमेंट. जब ऑक्सीजन को यूज किया गया, जब बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट हुई, उसके बाद एक्टिवेटेड स्लज बना है. एंड इट इज फुली इनरिच्ड विद व्हाट, इट इज इनरिच्ड विद दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म. सो सेटलिंग टैंक में ही सेटल हो गए. अब इस एक्टिवेटेड स्लज का कुछ पार्ट एज एन इनोक्यूलम, इनोक्यूलम का मतलब होता है इन्फेक्शन करना. जैसे हम लोग जब दही बनाते हैं घर में, तो दूध को गर्म किया, फिर थोड़ा सा मतलब एक तरह से नॉर्मल थोड़ा सा कम टेम्परेचर लाए उबले हुए दूध से, तो वहाँ पे मम्मी दही डालती हैं. कई बार अपने घर में नहीं होता, पड़ोसी से मांगने को बोलती हैं कि आधा चम्मच दही दे दो, राइट? या एक चम्मच दही दे दो. क्यों? क्योंकि वो थोड़ी सी दही की क्वांटिटी में बहुत सारा लैक्टोबैसिलस है, बहुत सारा लैक्टोबैसिलस है. सो इतना सा भी बहुत है. सो यहाँ से इस एक्टिवेटेड स्लज से थोड़ा सा ये स्लज लिया जाएगा, क्योंकि इट इज हैविंग द एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म. सो इसको एज एन इनोक्यूलम यूज करते हुए कुछ हद दोबारा से एरेशन टैंक में डाल दिया जाएगा, और ये प्रोसेस रिपीट होगा, और ये प्रोसेस रिपीट होगा. अब बच्चे इस एक्टिवेटेड स्लज को, इसको हम लोग लेके जाते हैं एनाएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में. अब इस एक्टिवेटेड स्लज को कैसे यूज किया, जैसे प्राइमरी स्लज को तो लैंड कंपोस्टिंग में, उस कंपोस्टिंग में और लैंड फिलिंग में यूज कर लिया. इस एक्टिवेटेड स्लज को लेके जाया जाता है एनाएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में.
कहाँ लेके जाया जाता है? एनाएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में. इट इज एनाएरोबिक, मतलब ऑक्सीजन तो है ही नहीं, विदाउट ऑक्सीजन है. अब अपने आप सोचो कि यहाँ के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे जिनको ऑक्सीजन चाहिए, यहाँ मैंने भेज दिया जहाँ ऑक्सीजन ही नहीं है, बच्चों अब क्या होगा? अब क्या होगा? डेथ. अब वो जो फ्लॉक बना था उसका जो सेंटर वाला हिस्सा था जहाँ बैक्टीरिया था, वो एनोक्सिक कंडीशंस हो जाएंगी, वहां पर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होगी. धीरे धीरे ये फ्लॉक टूटेगा, ये मैशवर्क टूटेगा, राइट? यहां पर एनाएरोबिक पैथोजेंस है, एनाएरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, धीरे धीरे उनको डिस्ट्रॉय कर देंगे. सो जब ये एनाएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में चला गया, बायोगैस भी बनती है, राइट? यहां से बायोगैस भी बनती है. सो दिस इज हाउ द सीवेज ट्रीटमेंट वर्क्स, जिससे हम लोग पूरा फायदा उठाते हैं. सो सीवेज फिल्ट्रेशन सेडिमेंटेशन, क्वेश्चन आया नीट का, प्राइमरी ट्रीटमेंट का पार्ट है. उसके बाद जो यहाँ का एफ्लुएंट था, क्योंकि मैंने तुम्हें बता दिया इट इज द एफ्लुएंट विच विल गो फॉर द सेकेंडरी ट्रीटमेंट, ये गया एरेशन टैंक में जहां मैकेनिकल एजिटेशन हुई और फ्लॉक बना. फ्लॉक क्या है? अनदर नीट बेस्ड क्वेश्चन. सो अगला क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि कब इस एरेशन टैंक से सारी चीजों को सेटलिंग टैंक में भेजते हैं? जब बीओडी डिक्रीज हो जाती है. व्हाट इज बीओडी? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड. जितनी ज्यादा बीओडी उतना पानी गंदा, जितनी कम बीओडी उतना पानी साफ, ये भी याद रखना. इट्स अ पीवाईक्यू. सेटलिंग टैंक में सेडिमेंट जो बना दैट इज एनाएरोबिक, दैट इज द एक्टिवेटेड स्लज. जो सेडिमेंट यहां पर बना दैट इज द एक्टिवेटेड स्लज. व्हाट्स दैट? दैट इज द एक्टिवेटेड स्लज, राइट? सो उस एक्टिवेटेड स्लज को कहाँ पास किया गया? एनाएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में, जहाँ पे वो फ्लॉक टूटा, अदर ऑर्गेनिजम्स आए, फिर बायोगैस प्रोड्यूस हुई, खाद भी बनाई गई यहाँ से, और एफ्लुएंट को इधर फॉर टर्शियरी ट्रीटमेंट एंड इधर फॉर रिवर और स्ट्रीम्स भेज दिया गया. सो अब जल्दी से बताना, क्या ये क्वेश्चन ने ज़्यादा टाइम लिया? नहीं लिया. सीबीएसई में भी ये क्वेश्चन आता है, नीट के पेपर में भी क्वेश्चन आता है. एंड सी, हमने लेस देन आई थिंक 15 मिनट्स में हमने ये कंप्लीट कर लिया. सो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो किस तरह के टैंक्स हैं, पानी का इनलेट है, धीरे धीरे चीजें सेटल की जाती हैं, ग्रेट निकाला जाता है, एफ्लुएंट से चीजें आगे पास की जाती है. यू कैन सी दैट, राइट? ये देखो, सेडिमेंटेशन हुई, ग्रेट निकाला, सेडिमेंटेशन हुई, एफ्लुएंट से चीजें आगे पास की गई. क्लियर है बच्चे? सो सेकेंडरी ट्रीटमेंट ये देखो, इसी तरह से बड़े बड़े सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स है, राइट? सो यहाँ पे क्या बनता है? फ्लॉक. फ्लॉक क्या है? बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद फंगल फिलामेंट टू फॉर्म मैश लाइक स्ट्रक्चर. एज आई सेड, इट्स अ पीवाईक्यू. डन बच्चे? डन. सो यहाँ पे बीओडी रिड्यूस होगी, अनदर पीवाईक्यू. क्लियर? सारे क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाएंगे, चाहे आप पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर लेना इस वीडियो के बाद. सो एरेशन टैंक ये देखो, उसके बाद सेटलिंग में, सेटलिंग में जो चीज नीचे बैठी दैट इज द एक्टिवेटेड स्लज फुली इनरिच्ड विद द एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, राइट बच्चे? सो क्लियर, एफ्लुएंट को आगे पास किया गया, ठीक है? और ये भी तुम देख सकते हो, कुछ एक्टिवेटेड स्लज को दोबारा से एरेशन टैंक में लाया गया, ये देखो, ताकि एज एन इनोक्यूलम हम उसे यूज कर सके. ओके बच्चे? सो हियर यू कैन सी द बीओडी, मैंने बता दिया जितना ऑक्सीजन बैक्टीरिया ने कंज्यूम किया है इस ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज करने के लिए, राइट मेरा बच्चा? दैट्स ऑल. सो ये भी तुम लोग चेक कर सकते हो, दिस इज फॉर योर इन्फॉर्मेशन बच्चे. ये देखो, 1 to 2 मिलीग्राम पर लीटर है अगर बीओडी, पानी बहुत अच्छा है. 3 to 5 मिलीग्राम पर लीटर है बीओडी, ठीक है, बहुत साफ नहीं है लेकिन ठीक है. 6 to 9 है गंदी क्वालिटी का. अगर 100 से ऊपर बीओडी चली जाए, 10 से ऊपर भी चली जाए, पानी की क्वालिटी बहुत 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 गंदी है, पीने लायक नहीं है. इस तरह से बीओडी का पता लगता है. सो ये एक्टिवेटेड स्लज, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. आई होप तुम लोगों को अब ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो चुका हो, ठीक है? वन मोर फ्लो चार्ट इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू. सो एनाएरोबिक स्लज डाइजेस्टर से क्या हुआ? एनाएरोबिक बैक्टीरिया ने उस बैक्टीरिया और फंजाई को खाया, स्लज में से बायोगैस बनी. सो एक और क्वेश्चन जो पेपर में आता है, बायोगैस कैसे बनती है? एक, एनाएरोबिकली मीथेनोजेंस चाहिए, वो भी ऑब्वियसली एनाएरोबिक कंडीशंस में ही मिलते हैं. ये बच्चे तुम्हें रूमिनेंट्स, जैसे काउ होगी, बफलो होगी, इनके इनके स्टमक में भी मिल जाते हैं, तो मतलब इनके गोबर में भी आ जाते हैं, राइट? राइट, मार्शी एरियाज में होते हैं मिथेनोजेंस, इन्हें एनाएरोबिक कंडीशंस चाहिए, राइट? सो बायोगैस. और दूसरा क्वेश्चन जो आता है, बायोगैस किससे बनी हुई है? सो मीथेन भी है, हाइड्रोजन सल्फाइड भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी. इट इज द मिक्सचर ऑफ दीज गैसेज, अनदर पी वाई क्यू, दैट्स ऑल, ठीक है? सो ये इस तरह के प्लांट्स लगते हैं बच्चे, पानी को क्लियर किया जाता है, फिर उसके बाद ये मिक्सचर ऑफ गैसेस बनेगा जिसमें सबसे ज्यादा क्या है? मीथेन. ओके, मीथेन. और मीथेनोजेंस कैसे ग्रो करते हैं? एनाएरोबिकली
प्लांट मटेरियल को खाएंगे और ये गैसेस प्रोड्यूस करेंगे, दैट्स ऑल, राइट, दैट्स ऑल. फिर इस बायोगैस को भी हम फर्दर अलग अलग चीज़ों के लिए, जैसे प्लांट बनाया जाता है, राइट, तुम्हारी बुक में दे रखा है, राइट, तो गोबर को इकट्ठा किया जाएगा क्योंकि रूमिनेंट्स के स्टमक में है ये मिथेनोबैक्टीरियम. सो एनारोबिक कंडीशंस प्रोवाइड की गई, उस डंग में मिथेनोजेंस का सोर्स है, उसके साथ साथ वेस्ट को डाला, उसने उस प्लांट मटीरियल को डाइजेस्ट किया, बायोगैस प्रोड्यूस हुई विच इज़ फ्लेमेबल, जिसको यूज़ किया जा सकता है अलग अलग तरह से और पॉल्यूशन को भी रिड्यूस किया जा सकता है. सो दैट्स ऑल, दैट्स इट. सो आई होप योर डाउट्स आर क्लियर. डू लाइक, डू share and do subscribe. Thank you so much. Stay tuned, guys. Bye-bye.